हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लिफ्ट से, क्योंकि नीचे जा रही हूँ सब्जी लेना है। सब्जी खत्म हो गई है और आज है संडे 14 मार्च, और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11 बजे हैं। और कल रात बहुत ही तेज बारिश हुई है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, और अभी धूप भी निकल आई है, तो दोनों मौसम एक साथ हो रहे हैं। तो चलिए नीचे पहुंच गए हैं सब्जी लेके, फिर बात करते हैं। आ गई हूँ मैं मटर छीलने के लिए, और मटर छील रही थी क्योंकि सब्जियाँ सारी ला के अपने अपने जगह पे रखी हैं। खीरे, टमाटर, टमाटर भी धो के रखे हैं। तो ये ना सारा चीज़ जब भी सब्जी आती है तभी हो जाए तो हो जाए, वरना फिर रह जाती है, और रह जाती है ना तो फिर उसको एक 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 दो 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 करने में ना बड़े बड़े दिक्कत होती है, बड़े परेशानी होती है उस टाइम। तो इससे अच्छा पहले ही ला के वॉश कर दो तो कभी भी ज़रूरत होती फटाफट से हो जाता है। और खुशहाल भी लेटा हुआ है, उसकी तबीयत ढीली लग रही थी तो उसको भी डिटा दिया था। और आलू गोभी बनाई थी सब्जी में तो वो खाई है, और बस उसके बाद हम यहाँ बैठे थे। और पीछे आप देख रहे हो कर्टन के नीचे कितनी धूप आ रही है बाहर से, तो इतनी तेज़ गर्मी थी पता ही नहीं चल रहा था कि मौसम कैसे बदल रहा है, क्योंकि बार बार बादल आ रहे थे, धूप आ रही थी। और धूप भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही थी। तो बस उसी टाइम हमने ना वो चटाई वाले को बोल दिया था, जो चिक लगाने आते हैं ना बालकनी में, तो वो एक दो लोगों को बोला था तो वो घर पे आने वाले थे, तो थोड़ी देर में वो लोग आ गए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें अलग अलग ये देखे ऐसे सैंपल दिखाए थे, तो उन्होंने बोला कि किसके कैसे कैसे रेट है, इसमें से सिलेक्ट करने को बोला। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, दो दो अलग अलग आए थे, तो पहले ये आए थे तो उन्होंने ये सब दिखाया। कलर कॉम्बिनेशन जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा कर देते हैं वो लोग, और पीछे की तरफ बैक की तरफ अलग सा कपड़ा लगा देते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है, कौन सा कलर करवाना है, पर 2-3 साल तक कुछ नहीं होता ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो बस ये देखे, क्योंकि समझ तो ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा था तो मैंने तो फ़ोटोज़ खींच ली थी। उसके बाद ये जो भैया थे वो बालकनी की और गेट की कहाँ कहाँ कैसे लगवानी है आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो सजेशन भी दे रहे थे और नाप भी ले रहे थे, क्योंकि ये जो गैलरी है यहाँ की बालकनी जो हॉल में है, तो वहाँ AC का आउट निकला हुआ है ना, बाहर का जो पोर्शन होता है,
तो वो फैन वहाँ लगा हुआ है, तो उसकी हवा निकलने के लिए भी स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि उसकी एयर प्रॉपर्ली निकलती नहीं है ना, तो फिर ख़राब हो जाता है एसी। तो बस वही था, और ये चले गए। फिर थोड़ी देर में देखा तो बारिश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी, और कपड़े ले लिए थे मैंने उसी टाइम ये वीडियो क्लिप बना के, क्योंकि मौसम लग ही रहा था कि बारिश आएगी। एकदम ठंडा मौसम हो गया था और हवा चलने लगी थी, तो फटाफट मैं कपड़े लेके बस अंदर बैठी थी। उतनी देर में इतनी तेज़ हवा आ गई है, तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा आ गई है। बेचारा अंदर चला गया। बड़े तेज गिर रहे यार। ये देखिए, कोई कह सकता है अभी यहाँ पे ओले गिरे हैं? इतनी तेज धूप हो रही है, ये देखिए इतने ओले गिरे हैं अभी, इतनी बारिश हुई है, ये देखिए। ये हाल है दिल्ली का, नोएडा का बड़ा बुरा हाल है। अब देखते हैं अगर राजन को ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो हम करनाल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि एक तो वेदर इतना गंदा हो रहा है, ऊपर से ये बीमारियाँ जो नई नई आ रही है, कोरोना वायरस, बहुत डर लगता है। खुशरू की तबीयत भी थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो मुझे तो बाबा बहुत डर लग रहा है। देखते हैं जल्द से जल्द कुछ निकले रास्ता, तो फिर देखते हैं। और अब पियेंगे चाय, मैं चाय बना ही रही थी, धूप देख के मैं शॉक हो गई हूँ। ये देखिए ये हाल है।
अभी बजे हैं रात के 11:15 और कल संडे है इसलिए ज़्यादा कुछ मतलब सुबह उठना या ऐसा कुछ है नहीं। और खुशहाल को आ गया था शाम को फीवर, तो उसको दिखाने हम गए थे क्लिनिक, दवाई ले आए हैं, वही वायरल ही है। बस बच्चों का ना मौसम आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कैसा हो रहा है, इतने ओले गिरे हैं और ऊपर से फिर धूप निकली है, हमारा ही गला ऐसे खिच खिच होने लगा है, जलने लगा है। तो बच्चे तो क्या है यार, उनको तो तुरंत ही इन्फेक्शन लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, उनकी बॉडी नहीं मैनेज कर पाती। तो बस मैं तो आ गई हूँ सोने के लिए। और अभी मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स नहीं टिकटॉक वीडियो बनाई है, तो वो टिकटॉक पे पोस्ट की है। तो रागिनीज रूटीन व्लॉग से ही मेरा टिकटॉक अकाउंट है, ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग है और फॉलो करना। तो बस सब सो जाऊंगी, दूध भी मैंने अभी पी लिया है, ये देखिए ये दवाइयाँ पड़ी है सारा, अभी हौच पौच है, थोड़ा होता रहता है यार, चलता है इतना। तो बस डिनर में हमने आज शाम को पोहा बनाया था, तो डिनर में नहीं शाम को इवनिंग स्नैक्स में पोहा बनाया था चाय पीने के बाद, और भूख थी नहीं ज़्यादा, तो जो सब्जी पड़ी थी उसी के साथ रोटी बना के खा ली है। हमारा ज़्यादातर ऐसा हो जाता है जब सब्जियाँ बची पड़ी होती है, चल जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी के अभी बनानी है, खाई जाती है सब्जियाँ। और मौसम इतना अजीब सा हो रहा है ना, पता ही नहीं चलता क्या बनाना है, क्या कैसे हो, कुछ पता नहीं चलता। और खुशहाल के स्कूल से भी आज मैसेज आ गया है, उसकी छुट्टियाँ 31 तक होगी है, वो तो मैंने आपके साथ शायद शेयर किया था। और मैसेज ये आया है कि उनकी एग्जामिनेशन नहीं होगी, अब उनके पूरे जो ईयर का जो परफॉर्मेंस होता है उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको ग्रेडिंग दे दी जाएगी। तो 27th को रिजल्ट है, तो उसी दिन बस लेने ही जाना है और कुछ नहीं करना। तो और उसी के एक दो दिन आसपास या फिर सेम डे ही है शायद उसके न्यू स्कूल में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पहला दिन जो होता है ओरिएंटेशन होता है, बस वही है। तो उस दिन भी जाना है, मेरी हालत अभी थोड़ी ख़राब है, हेयर ऑयल किया था, हेयर ऑयल डाला था सुबह ही डाल दिया था, तो वॉश करना है कल, तो कल वॉश करूँगी क्योंकि कल संडे है। सैटरडे नाइट को ना बहुत अच्छा लगता है, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट, क्योंकि दोनों दिन सोना होता है ना, कुछ जल्दी काम नहीं होते, किसी को जल्दी जाना नहीं होता, आराम से होता रहता है। तो बस यही है आज का, तो ज़्यादा आज लंबा व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि इवनिंग से मैं नहीं कर पाई थी, कुछ की तबीयत की वजह से ना थोड़ा मन अपसेट हो जाता है यार, बच्चों को कुछ भी होता है, और ऊपर से इस एरिया में डॉक्टर ढूंढना था तो हमें पूरे 2 घंटे लगे हैं सारा कुछ करने में, घर से निकल के घर पे वापस आने में 2 घंटे लगे हैं, और जहाँ डॉक्टर मिला है वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था, मतलब और सारे क्लिनिक भी 10-10 मिनट की दूरी पे ही थे, पर कई क्लिनिक 7 बजे खुलने वाले थे तो हम घर से ही 5:30 निकल गए थे। तो यही था कि लेट खुलने वाले थे, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, कहीं पे बहुत ज़्यादा रश था, तो जहाँ रश था ना वहाँ पे भी जाने का भी मन नहीं करता क्योंकि वहाँ पे ये जो भी इन्फेक्शन चल रहा है ना कोरोना वायरस, डर लगता है यार कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन लग जाए, और स्पेशली बच्चों को इम्यूनिटी इतनी वीक होती है, अभी इतनी लो होती है, तो वही है। और राजन को भी स्टाई हुई है, आंजनी बोलते हैं, अनड़ी बोलते हैं, अलग अलग टाइप का बोलता रहते हैं, बस वही हुआ है। तो उसके उनके भी ड्रॉप चल रहे हैं, और जो गर्म पानी से जो सेका करते हैं ना वो भी कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल दोनों की तबीयत ठीक है, दोनों की दवाई चल रही है। तो बस यही था, इसी वजह से शाम को व्लॉगिंग कर नहीं पाई थी। तो चलिए अब बहुत लेट हो चुका है और ये वीडियो कल सुबह जाएगा, तो एडिटिंग भी करनी है मुझे। तो बस रखते हैं अब फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन उठाते हो ना तो आप सबके साथ बातें करती जाती हूँ, क्योंकि अब हैबिचुअल हो गई हूँ मैं फ़ोन से, पहले फ़ोन उठाती थी ना, तो अभी भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना मुझे थोड़ा सा होता है, पर घर में नहीं होता अब बिल्कुल भी। तो हैबिचुअल धीरे धीरे हो ही जाता है, क्योंकि बाहर निकलते हैं ना तो लोग ऐसे देखते हैं सामने कि ये ना पागल हो गई है, अकेली अकेली बोल रही है,
तो पहले मुझे भी किसी को देखती थी तो मुझे भी ऐसा फील होता था, पर अब नहीं होता क्योंकि अब मुझे पता है आप सब देख रहे हो मुझे। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बॉस, शर्ट तो अच्छी लग रही है। छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ तो शर्ट ही तो अच्छी लग रही है, मुंह तो अभी कुत्ते जैसा है।